और वहीं आज मुख्तार अंसारी मऊ जिले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए आएगा। ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड के पहले गवाह राम सिंह मौर्य और उनके गनर कांस्टेबल सतीश यादव के हत्याकांड की सुनवाई होने वाली है। तो मुख्तार अंसारी आज कोर्ट में पेश होगा। ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मसला है और आज मुख्तार अंसारी की मऊ में पेशी है। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी पेश होगा। ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मसला है, जिस मसले में उसे कोर्ट में पेश होना है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में आज मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सुनवाई है। सीबीआई ने इस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था और सीबीआई ने आरोप पत्र में सभी 6 पुलिसकर्मियों को मनीष की हत्या की साजिश रचने और सबूत नष्ट करने का दोषी माना है। सीबीआई ने चार्जशीट में सभी 6 पुलिसकर्मियों को हत्या में दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले का ट्रायल का दिल्ली ट्रांसफर हुआ है। इस पूरे मामले में ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले के ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर किया गया। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने जा रही है। अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय ले लिया है। और योजना के संचालन के बाद से मदरसों के शैक्षिक स्तर में कितना सुधार आया है, इसके लिए शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन भी कराया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि मदरसों पर अरबों रुपए खर्च होने के एवज में बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में कितना असर पड़ा है। साल 2013 में तत्कालीन सपा सरकार में भी 118 मदरसे फर्जी मिले थे। इनमें सबसे ज्यादा 34 फर्जी मदरसे मेरठ में, 17 गोंडा में और 13 बलरामपुर में पकड़े गए थे। बड़ी खबर, फर्जी मदरसों की अब जांच होगी। 7,442 मदरसों की जांच होगी। कई सारी अनियमितताएं हर जगह हैं, उन पर बारे में हम देख विचार कर रहे हैं और विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। विभाग जब अपनी कार्रवाई कर लेगा तो आप लोगों को आधिकारिक रूप से बताया जाएगा। और यूपी बोर्ड